बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं कि देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति इस दिन से कर रहे हैं कुंभ राशि में गोचर। इन चार राशियों का चमकेगा भाग्य। आइए आपको बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन को काफी अहम माना जाता है। वे धनु और मीन राशि के स्वामी ग्रह हैं। गुरु को भाग्य सुख सुविधाओं का कारक माना जाता है। उनके राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर को कुंभ राशि में गोचर करेंगे। उनके कुंभ राशि में प्रवेश का असर 4 राशियों पर ज्यादा पड़ने वाला है। इस दौरान प्रभावित होने वाली राशियों को पिछले कुछ समय से चल रही समस्याओं से राहत मिलेगी, निजात मिलेगा, सफलता के नए आयाम बनेंगे। आपको बता दें कि कोई भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिल सकती है। मेष राशि वाले को कोई बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी मिल सकती है। विद्यार्थियों को अनुकूल रिजल्ट हासिल होंगे। युवा वर्ग के लिए विदेश जाने के योग बनेंगे। घर में वातावरण सुख शांति और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। आइए जानते हैं इस राशि का आप पर क्या असर पड़ रहा है। गुरु आपकी राशि में, मेष राशि वाले को गुरु आपकी राशि के एकादश भाव में गोचर करेगा, जिसके प्रभाव से आपको करियर और कारोबार में तरक्की मिलेगी। गुरु के कुंभ राशि में प्रवेश करने से शुभ समाचार मिल सकता है। व्यापारियों को मुनाफे के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रुके हुए कार्य जो हैं वह पूरे होंगे। दूसरी राशि है कन्या राशि। आप अपनी पहचान अलग बनाने में कामयाब होंगे। आपको अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस दौरान निवेश का लाभ आपको भविष्य में मिलेगा। कर्क राशि, गुरु गोचर काल आपके लिए, गुरु का गोचर काल आपके लिए शुभ रहने वाला है। पैसे से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। राशि परिवर्तन के प्रभाव से सुफलों की प्राप्ति होगी। आपको करियर में तरक्की या स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। कारोबारियों को लाभ होगा। अगली राशि कैप्रिकॉन मतलब मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस दौरान निवेश करते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। गुरु गोचर काल के दौरान आपकी वाणी में स्पष्टता आएगी। भाई बहन के रिश्ते में मधुरता आएगी। आर्थिक मोर्चे पर यह समय आपके लिए लाभकारी होगा। दाम्पत्य संबंध में मधुरता बना के रखनी है। वाणी पे संयम रखें। कर्कशा वाली वाणी पे ध्यान रखें। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।